हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों का MT 11 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत जून 2019 में पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो कि रिग्रेशन इक्वेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द स्कोर्स ऑब्टेंड बाई 9 सेल्समैन ऑफ अ कंपनी इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड देयर वीकली सेल्स। यहाँ पर हमें डाटा दिया हुआ है, हमें यहाँ पूछ रहा है, ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेल्स ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स ऑफ द सेल्समैन। और दूसरा है, इफ़ द इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर ऑफ अ सेल्समैन इज 65, व्हाट वुड बी हिज एक्सपेक्टेड वीकली सेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिग्रेशन इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, ठीक है, इज क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन यही होता है। तो अब इसे ही हमें यहाँ पर फाइंड करना है, जिसमें कि हमें a और b का वैल्यू पुट करना होता है। यहाँ पर x इज कॉल्ड द प्रेडिक्टर वेरिएबल, y इज सेड टू बी द प्रेडिक्टेंट, और द कॉन्स्टेंट a इज द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एंड रिप्रेजेंट्स द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से द कॉन्स्टेंट बी विच इज द स्लोप ऑफ द फिटेड लाइन इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई पर यूनिट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इंक्रीज ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई पर यूनिट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज कॉल्ड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बी को रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है of y on x and is also denoted by byx, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसी इक्वेशन को फाइंड करना है, जिसमें कि हमें a और b का वैल्यू यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, जिसमें कि हमें x स्क्वायर और एक्स वाई का वैल्यू हमें प्राप्त करना है, ठीक है। और तब फिर हम यहाँ पर इसकी सहायता से ए और बी का वैल्यू प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा एक्स का वैल्यू हो गया या वाई का वैल्यू हो गया, अब एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी सहायता से 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, इस तरह से 50 का स्क्वायर 2500, 60 स्क्वायर 3600 हो जाएगा, 80 स्क्वायर 6400 हो जाएगा, 50 स्क्वायर 2500, 80 स्क्वायर फिर 6400, 40 स्क्वायर 1600, 70 स्क्वायर 4900। उसके बाद एक्स वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 30 1500, 60 × 60 3600, 50 × 40 2000, 60 × 50 3000 हो जाएगा, 80 × 60 4800 हो जाएगा, 15 × 30 1500 हो जाएगा, इसी तरह से 80 × 70 5600 हो जाएगा, 40 × 50 2000 हो जाएगा, इसी तरह से 70 × 60 4200 हो जाएगा। अब यहाँ समेशन एक्स कितना हो जाएगा, 540, समेशन वाई 450, समेशन एक्स स्क्वायर 34000, समेशन एक्स वाई क्या हमें है 228200, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम रिग्रेशन कोफिशियंट निकाल लेते हैं, यानी बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बी वाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई एन अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन, इस फॉर्मूला को, ठीक है, इसे। और उसके बाद हम यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं, तो एन की जगह 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर समेशन एक्स वाई का वैल्यू हमें कितना निकला हुआ है, 28200 माइनस समेशन एक्स का वैल्यू 540 निकला हुआ है, समेशन वाई का वैल्यू 450 निकला हुआ है, ठीक है। अपॉन फिर एन की जगह 9, समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 34000 निकला है, फिर माइनस समेशन एक्स का वैल्यू 540 और उस पर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना, फिर माइनस इसका स्क्वायर इतना। अब यहाँ पर घटाने पर हमें ऊपर में 10800 आ रहा है, नीचे में 14400। अब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट आएगा, 0.75, ठीक है। तो यह हमें बी का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हम ए का वैल्यू प्राप्त करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ एक्स बार और वाई बार निकाल लेना होगा, यानी कि मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई। तो यहाँ पर मीन ऑफ एक्स क्या, समेशन एक्स वाई एन इज इक्वल टू 540/9 इज इक्वल टू 60, इसी तरह से वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई बाई एन इज इक्वल टू 450/9 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो अब यहाँ पर निकाल देंगे ए का वैल्यू, ए का वैल्यू इस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार,
बी का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है, और ए का वैल्यू इस फॉर्मूला से। तो यहाँ पर वाई बार 50 माइनस बी की जगह 0.75 इंटू एक्स बार की जगह 60, तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होता है 5। हैंस द रिग्रेशन इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, विच इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू ए की जगह हम 5 ले लेंगे, फिर प्लस बी की जगह क्या निकला हमें 0.75 इंटू एक्स। तो यही हो गया रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन। इसके बाद दूसरा हमें क्या बोल रहा था इसमें, इफ द इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर ऑफ अ सेल्समैन इज 65, व्हाट वुड बी हिज एक्सपेक्टेड वीकली सेल्स। यानी कि हमें यहाँ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स के इस वैल्यू के लिए वाई का मान हमें पता करना है। तो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 0.75 एक्स में एक्स की जगह 65 पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस 48.75 इज इक्वल टू 53.75, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, सो एक्सपेक्टेड वीकली सेल्स वुड बी रुपीज 53.75 इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 53,750। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।